Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 29 July. I'm sure children, you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. And at the same time, I do hope that you are watching the videos regularly and at the same time, you are completing your work simultaneously. अभी जो नोटबुक्स मंगवाई थी आई ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव नॉट सबमिटेड देयर नोटबुक्स एट ऑल दैट मीन्स दे यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क इफ यू आर नॉट इन वाराणसी देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट इफ यू आर इन वाराणसी एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सबमिटेड द नोटबुक्स दैट मीन्स कि आपने अपना काम नहीं किया है चिल्ड्रन रिमेंबर यू हैव टू डू योर वर्क रेगुलरली आपको रोज अपना काम करना ज़रूरी है बिकॉज फर्स्टली एक तो आपके नोटबुक्स पे मार्क्स भी होते हैं एंड सेकेंडली यू शुड बी इन हैबिट ऑफ बीइंग रेगुलर रोज रोज क्लास करके अपना वर्क करने की हैबिट होनी चाहिए ठीक है ना कि एक बार में छोड़ दिया बाद में एक साथ बैठ करके सारा काम करेंगे बिकॉज क्लासेज आर नॉट गोइंग टू रन लाइक दिस ऑल थ्रू योर लाइफ हमेशा तो ऐसे क्लासेज नहीं रन करेंगी आज नहीं फ्यू मंथ्स के बाद कभी ना कभी तो स्कूल खुलेगा यू विल कम टू स्कूल जैसे रेगुलर क्लासेस होती थी नॉर्मल क्लासेस होती थी वैसे ही क्लासेस होंगी तो तब तो आपको रोज रोज अपना डेली का वर्क कंप्लीट करना होगा तो अगर लिखने की हैबिट ही नहीं होगी तो करोगे कैसे अगर लिखने की हैबिट नहीं होगी तब तो कभी मन नहीं करेगा वर्क करने का तो चिल्ड्रन प्लीज़ बी वेरी वेरी रेगुलर विथ योर वर्क अपना रोज का रोज काम रोज बहुत थोड़ा थोड़ा काम रहता है समटाइम्स ओनली बुक एक्सरसाइजेज आर देयर यू जस्ट हैव टू पुट अ टेक और राइट टी और एफ और राइट जस्ट वन वर्ड दैट इज ऑल कभी कभी जब नोटबुक का वर्क होता है तो मे बी क्वेश्चन आंसर्स आर देयर और मेक सेंटेंसेस देयर और अ कंपोजिशन इज देयर तो कभी कभी ये भी वर्क होता है सो अपना काम इससे रोज रेगुलर करते रहो एंड रोज वीडियो देखना जरूरी है ओके चिल्ड्रन सो नाउ कमिंग बैक टू द क्लास We have started with lesson number 4 which is my school and we have started with the exercises. So turn to page number 3434. We have done the spell well words मैंने आपको लिखवा दिए word meanings मैंने लिखवा दिया and we have started with the exercises. So we have done exercises A and B. A and B हमने complete कर लिया है comprehension exercises and now we have started with grammar exercise. Okay, so children, please turn to page number 35. Okay, now, before coming back to that page, come to page number 33. Okay, while doing the reading part, जब मैं reading and explanation part कर रही थी, तब आपने notice किया होगा कि few words were highlighted. कुछ एक words जो थे, वो highlighted थे. Highlighted means they were written with green color. ठीक है तो उन वर्ड्स को हम अलग अलग लिख रहे थे वी वर नोटिंग डाउन दोज वर्ड्स सो टिल नाउ अभी तक हमने क्या क्या किया था हमने किया था आई देन आई डिड दैट इट वाज 8 देन वी आई इट वी ही हिज शी हर एंड आई ठीक है अभी हमने इतने वर्ड्स नोट डाउन किए थे फाइन नाउ लेट अस कंटिन्यू अभी हमने कहाँ तक लिखा था आई हैव अ ग्रीन बैग वी आर क्लासमेट्स ओके इस टिल दिस लाइन यहाँ तक लाइन में जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे उनको हमने नोट डाउन किया नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वी प्ले टुगेदर पेज नंबर 33 थोड़ी सी मैं स्पेस छोड़ दे रही हूँ Let us start from here. We play TOGETHER. We play together on the SWINGS swings. DURING. During we play on the swings during. RECESS, recess is जो लंच ब्रेक होता है
बी वर्ड इज हाईलाइटेड, बी मैं बी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन। बेटा क्लास में जो मैं बोलती हूँ उसको भी आप ध्यान देना, ठीक है। मैंने बोला कि वी हैव नॉट नोटेड डाउन बी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन दिस वर्ड, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है ये बाद में बताती हूँ। तो वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रेसेस, वी हैव अ बिग एस ए ए टी आई एन जी स्केटिंग रिंग एंड अ लार्ज Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. Okay? G-U-N-J-A-N, Gunjan is shy, she likes to read story books, she likes to read story books in the school library, library. Okay, now here she is also underlined, okay, she is highlighted, so I have underlined it, okay. Why? Then we have already noted
एंड शी, मी एंड शी हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है, सो आई एम नॉट राइटिंग देम अगेन, मैं फिर से उनको नहीं लिख रही हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर आर मेनी, ड्रॉ द पिक चिल्ड्रन, देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी trees in okay, in this paragraph none of the words are highlighted, this paragraph mein koi bhi word highlighted nahi hai. Okay, so I am not going to write this paragraph, theek hai na, is paragraph ko main nahi likh rahi hu kyunki koi bhi word highlighted nahi hai. So is pure lesson mein hame kitne words mile, we have found 1 2 3 4 5 6 7 8 8 words which are highlighted, ठीक है, that means they are different from others, कुछ बाकी words से उन words पर कुछ difference है, that is why they are highlighted. Highlight उनको इसीलिए किया गया है कि जिससे कि वो different दिखाई पड़े, ठीक है ना. अगर ऐसे क्योंकि बाकी words सारे सेम color से हैं, they are highlighted because they are different from others. Some words are also highlighted, ये words जो है ये different color से लिखे हुए, कुछ वर्ड्स से हाईलाइटेड है वो भी थोड़े डिफरेंट है बिकॉज उनका मीनिंग बताया गया है, दे दोज वर्ड्स आर वर्ड मीनिंग्स, ठीक है. सो ऑल टुगेदर देयर आर 8 वर्ड्स इन द लेसन विच आर रिटन विद डिफरेंट कलर, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स. यस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स, थोड़े वो बाकी वर्ड्स से डिफरेंट है. ओके, कैसे डिफरेंट है, अभी जैसे मैं बोल रही थी पढ़ाते टाइम, मैंने बोला कि चिल्ड्रन प्लीज पे अटेंशन, व्हाट आई एम सेइंग, जैसे मैंने बोला कि वी हैव नोटेड डाउन, तो वी से मेरा क्या मतलब है, आई एम ऑल अलोन, मैं तो अकेले पढ़ा रही हूँ आपको, बट व्हाट आई मीन इज द एंटायर क्लास, बिकॉज अभी क्लास में आप भी तो मेरे साथ हो ना, क्लास में यू ऑल आर देयर विद मी, तो आई से वी हैव नोटेड डाउन, so we have noted down से मेरा मतलब है that myself and the entire class. okay, so children these words, ये जो words हैं, these are the some of the words, of course not all, ये थोड़े से words हैं जो कि noun के place पे use होते हैं, these are some of the words which are used in place of nouns. जैसे first time में था, my school building is very big and beautiful. It has, first जो it था, it was used for the school building, ठीक है, वो किसके लिए use किया, school building. Then she says my classroom is painted yellow, it is, so it किसके लिए use किया, for classroom. We are 20 children in the class, we means हम लोग सब मिला करके, क्लास में कोई बच्चा अकेले क्यों नहीं होगा, वी मीन सब मिला करके हम क्लास में 20 बच्चे हैं. ओके, देन शी सेज ही, देवान सिट्स ऑन माय लेफ्ट, ही हैज अ, तो यहाँ पे ही एंड हिज बैग इज ब्लू इन कलर, तो ही एंड हिज किसके लिए यूज किया, देवांश के लिए. गुंजन सिट्स ऑन माय राइट, शी हैज अ पिंक कलर बैग, हर बैग इज स्मॉल, तो शी एंड हर किसके लिए यूज किया, गुंजन के लिए. ओके, एंड आई उसने किसके लिए यूज किया, अपने लिए. दे लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम बट दे लाइक टू स्केट, आई उसने अपने लिए यूज किया, एंड दे मीन्स हर फ्रेंड्स, मे बी गुंजन एंड देवांश, दे का मतलब है दे शी हैज यूज फॉर हर फ्रेंड्स. सो चिल्ड्रन दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस, दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, नॉट ऑलवेज, हमेशा नाउंस की जगह पे ये वर्ड्स नहीं यूज होते, जहाँ पे अगर कोई नाउन वर्ड है जो कि कई बार रिपीट होता है, ठीक है, जैसे बोला ना कि माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल, माई स्कूल हैज़ मैनी, माई स्कूल बिल्डिंग हैज़ मैनी क्लास रूम्स, माई क्लास रूम इज पेंटेड येलो, माई क्लास रूम, तो बार बार जब किसी वर्ड को अगर हमें रिपीट करना होता है, सो एक बार तो हमने वो वर्ड यूज किया, एंड आफ्टर दैट एक बार तो हमने नेमिंग वर्ड लिखा,
आफ्टर दैट वी यूज प्रोनाउन, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी हमें यूज करना है. तो ही इज यूज फॉर मेल, ही जो होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जो मेल मेल पर्सन के लिए, बॉय, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, अंकल, जो मेल मेंबर्स, मेल नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उनके लिए हम ही यूज करते हैं. एंड जो फीमेल नेमिंग यूज है वर्ड्स है उनके लिए हम शी यूज करते हैं. और नेम ऑफ एनी बॉय, राज, रोहित, ठीक है, कोई भी, राकेश, राहुल, कोई भी अगर नेम है, सो देन वी यूज ही, ठीक है. एंड एनी गर्ल्स नेम और जो गर्ल फीमेल नेमिंग वर्ड्स है उनके लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज शी. इट इज यूज फॉर एवरीथिंग विच इज नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट. ओके, वी यूज इट फॉर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. फाइन, वी जैसे मैंने बताया कि वी इज यूज व्हेन देयर आर मोर देन वन पीपल. ही तो एक सिंगुलर के लिए, सिंगल कोई मेल नेमिंग वर्ड है उसके लिए हमने ही यूज किया. शी इज यूज फॉर सिंगुलर फीमेल नेमिंग वर्ड. वी इज यूज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जब हम जब बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि वी, आई मीन माई सेल्फ एंड द एंटायर क्लास. तो जब हम फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं देन वी यूज वी फॉर प्लूरल, ठीक है. एंड दे मीन्स बोलो, ठीक है, दे मीन्स बोलो. ही एंड शी जब हम यूज करते हैं, जैसे आपने उसने बोला कि देवांश एंड गुंजन के लिए उसने दे यूज किया. सो फॉर मेल सिंगुलर वी यूज दे, सॉरी ही, फॉर फीमेल वी यूज शी, एंड दे इज यूज फॉर प्लूरल व्हेन देयर इज मोर देन वन चाइल्ड, वन पर्सन और वन, मैंने एनीथिंग प्लूरल, कोई भी काउंटेबल नाउन है अगर वन से ज्यादा है प्लूरल है देन वी यूज दे, ठीक है. वो लोग, दे इज यूज जब मतलब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन दीज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस, ओके, प्रोनाउन बोलते हैं वर्ड्स को. दीज वर्ड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेमिंग वर्ड्स. सो चिल्ड्रन नाउ टर्न टू पेज नंबर 35, दैट इज 35, ग्रामर ग्ली, ग्रामर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, ओके. जी आर ए एम एम ए आर, ग्रामर जी एल ई ई, ये ग्रामर ग्ली. Did you notice these new words? जो words हमने board पे note down किए थे, he, she, it, his, her, we and they. ये आपने सारे words notice किए? In the story My School, these words are used instead of repeating the naming words. ठीक है? ये words कहाँ use होते हैं? They are used in place of नेमिंग वर्ड्स, मतलब नेमिंग वर्ड्स को रिपीट करने की जगह हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है ना. सपोज यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन डॉग, डॉग पे एक पैराग्राफ लिख रहे, सो डॉग इज अ पेट एनिमल, ठीक है, डॉग इज अ वेरी लॉयल एनिमल, डॉग इज वी कैन कीप डॉग एज अ पेट, डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, डॉग इज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर, dogs love to eat meat and milk, ठीक है, dog loves to play out. बार बार अगर मैं dog 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 बोल रही हूँ तो it does not sound very good, गलत नहीं है, wrong नहीं है, but it does not sound good. To avoid this repetition, बार बार जो हमने dog word को use किया इसको avoid करने के लिए हम pronoun use करते हैं. यहाँ पे dog है, if we know that it is a male dog, many a times he is also used, because male naming words are there in animals also, male naming words, female naming words, dog and bitch, dog is male, bitch is female, yeah? If we know that it's a male dog, hum uske liye he bhi use karte hain. Normally animals ke liye kya use karte hain, it, theek hai. For example jaise peacock ke liye bola, peacock is our national bird,
It has colorful, peacock has colorful feathers. Peacock has a crown on its head. Peacock loves to eat grains and insects. Peacock loves to dance during rainy season. बार बार peacock बोला. तो instead of repeating, उसको हम कैसे बोल सकते हैं? Peacock is our national bird. It has a long and colorful feather. Tail. It has a beautiful crown on its head. It loves to dance during rainy season. It loves to eat grains and insects. यहाँ पे हमने peacock बस first time peacock बोला. उसके बाद हमने क्या किया? We have not repeated it. उसके बाद हमने peacock की जगह it use किया. Although we know that peacock is a male naming bird, but still we use it. He नहीं बोलते. Normally animals के लिए हम it ही use करते. Whether it is a male animal, male naming bird और female. तो female naming bird है peacock है, peahen है, dog है, bitch है, lion है, lioness है. We use it only. ठीक है? तो अभी these words are known as pronouns. Nouns are naming words. These are pronouns. जिसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम. ठीक है? संज्ञा एंड सर्वनाम. नेमिंग वर्ड्स आर संज्ञा एंड प्रोनाउंस आर सर्वनाम. नाउंस एंड प्रोनाउंस याद रहेगा ना. सो ऑल दीज वर्ड्स विच वी हैव, दैट मीन्स वी हैव लर्न सम न्यू वर्ड्स. वी इट ही शी ये वर्ड्स सबको मालूम होंगे, सबको मालूम होंगे ये वर्ड्स. बट न्यू इन द सेंस दैट देयर इज अ terminology, there is a different term for these kind of words and this term is pronoun. So remember, these words are known as pronouns and they are used to avoid repetition of naming words. In words ko use kiya jata hai naming words ka repetition avoid karne ke liye. Theek hai? Now here what we have to do is page number 3535. There is a paragraph. Circle the right words to make correct sentences. With each sentence, two options are given. You have to circle the correct option. Okay, so first let me write. Circle, C-I-R-C-L-E. Circle the right words to make correct. Circle the right words to make correct sentences. Sentences. Okay. Rohan, R-O-H-A-N. Rohan is N-I-T-I-N-S. Nitin's F-R-I-E-N-D. Rohan is Nitin's friend. She oblique he is 6 years old. He oblique she is 6 years old. He or she likes to play football. Football. He is wearing his or her F-A-V-O-U-R-I-T-E favorite shirt. He or it is blue in color. Okay, now let us, for each sentence you will see that two options are given. He, she or he, then he or she, his or her, then he and it.
Now Rohan is Nitin's friend. Okay? Here we are talking about this boy named Rohan. इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. We are talking about a boy. ठीक है, हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. रोहन इज नितिन्स फ्रेंड. रोहन नितिन का फ्रेंड है. शी और ही इज 6 इयर्स ओल्ड. अभी नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय तो हम ही यूज करेंगे कि शी यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे हम? वी विल यूज ही. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय. हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. रोहन, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं. रोहन क्या है? एक बॉय है. तो बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज ही. ठीक है, सर्वनाम करना है हमें तो वी यूज ही. रोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो रोहन इज अ बॉय. तो ही इज 6 इयर्स ओल्ड. ही और शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहन. तो रोहन क्या है? बॉय है. यहाँ भी उसके लिए क्या यूज करेंगे? हियर ऑल्सो वी विल यूज ही. यहाँ पे भी हम ही यूज करेंगे. ठीक है, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है. ही इज वेयरिंग हिज और हर फेवरेट शर्ट. उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी हुई है. अभी हिंदी में अगर हम बोले उसने तो हमें नहीं पता कि ये हिंदी है कि इंग्लिश, मतलब मेल है कि फीमेल है. उसने अपनी फेवरेट टी शर्ट पहनी है. उसने अपनी फेवरेट फ्रॉक पहनी है. कैन यू मेक आउट कि हम बॉय के लिए बात कर रहे हैं या गर्ल के लिए बात कर रहे हैं? अगर मैं बोल रही हूँ कि उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी है, देन यू कैन से कि ओके बॉयज नॉर्मली शर्ट पहनते हैं तो ये लड़का होगा, एंड गर्ल्स फ्रॉक पहनती है तो उसने अपनी फेवरेट फ्रॉक पहनी है तो ये लड़की के लिए सेंटेंस होगा. बट इन इंग्लिश वी हैव हिज एंड हर. ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय, व्हेन वी आर यूजिंग ही, देन वी यूज हिज. उसका, उसने अपनी, यहाँ पे हिज का मतलब क्या है? उसने. ही इज वेयरिंग हिज फेवरेट शर्ट. उसने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी हुई है. ठीक है, तो बॉयज के, बॉय ही के साथ हम क्या यूज करते? ही के साथ हम हिज यूज करते. एंड इफ इट इज अ गर्ल, गर्ल के साथ हम हर यूज करते. ठीक है, बॉय के साथ हम हिज यूज करते एंड गर्ल के साथ, दैट मीन्स अगर शी है तो शी के साथ हम हर यूज करते. ओके, तो ही इज 6 इयर्स ओल्ड. He likes to play football. He is wearing his. He is wearing his favorite shirt. ठीक है? He or it is blue in color. तो यहाँ पे बताओ क्या यूज होगा? He यूज होगा कि it यूज होगा? जैसा मैंने बताया था कि with for male naming words we use he. For female naming words we use she. ठीक है? कोई अगर मेन नेमिंग वर्ड्स है जैसे बॉय, ब्रदर, फादर या एनी नेम. ठीक है, कोई भी नाम है, जैसे क्लास में इतने सारे बच्चे, कोई भी अगर बॉय का नाम है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही. फॉर नेम ऑफ एनी गर्ल और जो फीमेल नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मदर, सिस्टर, गर्ल, आंट, ग्रैंड मदर, उनके लिए क्या यूज करते हैं? शी. एंड फॉर एवरीथिंग, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी चीजें हमारे आस पास है, फॉर एवरी थिंग वी यूज इट. ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, इनफैक्ट जैसे मैंने बताया बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, हम सबके लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज इट. ओके, फॉर एवरी थिंग. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इट. ठीक है, यहाँ पे होगा इट, बिकॉज हियर इट इज यूज फॉर शर्ट. ठीक है, यहाँ पे इट किसके लिए यूज कर रहे हैं? शर्ट के लिए. तो इट इज ब्लू इन कलर. शर्ट को तो हम मेल या फीमेल नहीं बोल सकते ना. शर्ट कैन नॉट बी मेल और फीमेल. शर्ट तो एक लाइफलेस थिंग है. तो शर्ट के लिए क्या यूज करेंगे? इट. फॉर एनी एनीथिंग व्हिच डज नॉट हैव लाइफ वी विल यूज इट. सो इट इज ब्लू इन कलर. रोहन इज नितिन्स फ्रेंड. ही इज 6 इयर्स ओल्ड. ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ही इज वेयरिंग हिज फेवरेट शर्ट. इट इज ब्लू इन
Now children write this. Now next there are two more paragraph that we will be doing in the next class. Okay. So that is all for the day children. Thank you and have a blessed day ahead.